हे गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपको कुछ मैं इस तरह की फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, यानी आपको एक बेस्ट लाइटरूम प्रीसेट देने वाला हूँ जिसको यूज़ करने के बाद फोटो बहुत ही अमेजिंग दिखती है। अगर आप इस प्रीसेट को यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस प्रीसेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वो पासवर्ड आपके स्क्रीन में कभी भी लिखा हुआ आ सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। जैसे ही आपको पासवर्ड मिल जाता है, आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको डाउनलोड प्रीसेट लिंक मिलेगा। आपको क्लिक करना है, पासवर्ड डाल देना है और ये प्रीसेट आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके फॉलो कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद हमें नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हमारी फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाती है। अब यहाँ से सबसे पहले हमें अपने प्रीसेट पे क्लिक करना है, अपनी फ़ोटो पे क्लिक कर लेना है और नीचे ऐड का बटन दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑल फोटोज़ का ऑप्शन दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रीसेट पे क्लिक कर देना है। तो मैंने कर लिया प्रीसेट पे क्लिक। अब इस प्रीसेट की हमें कॉपी सेटिंग करनी होती है। प्रीसेट की कॉपी सेटिंग करने के लिए हमें ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, नीचे कॉपी सेटिंग पे क्लिक करना है, ऊपर टिक का आइकन दिख रहा है, हम पे क्लिक कर देना है। तो हमारे प्रीसेट की कॉपी सेटिंग हो जाती है। उसके बाद हमें बैक आरो पे क्लिक कर देना है। अब हमें अपनी फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। तो मैंने अभी कुछ फोटो ले रखी है। अब हमें अपनी फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटो ले रखी है, मैं कर लेता हूँ फोटो पे क्लिक। तो मैंने कर लिया फोटो पे क्लिक। अब इस फोटो में हमें प्रीसेट ऐड करना है। फोटो में प्रीसेट ऐड करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, नीचे एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट सेटिंग का। जैसे ही मैं पेस्ट सेटिंग में क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं एक क्लिक के अंदर फोटो एडिट हो जाती है और फोटो में एक्वा एंड ब्लैक कलर का टोन आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट फोटो में प्रीसेट ऐड करके दिखाता हूँ। ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, नीचे पेज सेट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं एक क्लिक के अंदर फोटो एडिट हो रही है और फोटो का जो बैकग्राउंड कलर बहुत ही ऑसम दिख रहा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट फोटो में प्रीसेट ऐड करके दिखाता हूँ। ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, नीचे पेज सेटिंग पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं सभी फोटो में प्रीसेट अच्छे से काम कर रहा है। आप भी इस प्रीसेट को यूज करके ब्लैक एंड एक्वा कलर का इफेक्ट अपने फोटो में लेके आ सकते हैं। अब इस फोटो को सेव करने के लिए ऊपर शेयर के बटन पे क्लिक करना है, नीचे सेव टू डिवाइस करेंगे तो फोटो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये फोटो एडिटिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको फोटो एडिटिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी तरह की नई नई फोटो एडिटिंग सीखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगा ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।